दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के पाठ्यक्रम की तीसरी इकाई साहित्य शास्त्र से आइए कुल 30 प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, वह शब्दार्थ जो अलंकारयुक्त हो काव्य है, अलंकार विहीन शब्दार्थ काव्य नहीं कहा जा सकता, इसके विचार हैं। और सही उत्तर है विकल्प एक, दंडी के। मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं, रस अलंकार ध्वनि अथवा तीनों के। और सही उत्तर है ध्वनि। काव्य दोष रहित गुण युक्त होना चाहिए, किसने कहा, मम्मट रुद्रट भामह अथवा रत्नाकर। और सही उत्तर है विकल्प एक, मम्मट। शब्दार्थो सहितो काव्यम इसका कथन है, भामह रुद्रट कुंतक अथवा दंडी। और सही उत्तर है विकल्प एक, आम है। अभिनव गुप्त ने मूलतः रसों की संख्या कितनी मानी है, 8, 9, 11 अथवा 33। और सही उत्तर है विकल्प दो, 9। नाना भावोपगात स्थाई भाव ही रस है, किसने कहा, भरत मुनि शुक्ल मम्मट अथवा भामह। और सही उत्तर है विकल्प एक, भरत मुनि ने। न कांतमपि निर्भीषम विभाति वनिता मुखम यह कथन किसका है, भामह दंडी जयदेव अथवा केशवदास। सही उत्तर है विकल्प एक, भामह का। वैदर्भी गौड़ी तथा पांचाली तीनों रीतियों की कल्पना किसने की, वामन दंडी भामह अथवा इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है विकल्प एक, वामन। नीति भाव राग आवेग करुण आदि किस रस के अंतर्गत आते हैं, पदार्थ रस आयुर्वेद रस साहित्य रस अथवा भक्ति रस।
और सही उत्तर है विकल्प तीन साहित्य रस। मम्मट के काव्य लक्षण की स्थिति, वैकल्पिक, अनिवार्य, दोनों अथवा कोई नहीं। और सही उत्तर है विकल्प एक वैकल्पिक। पोएटिक्स में औचित्य की मीमांसा कितने प्रकार से की गई, दो, चार, छह अथवा सात। और सही उत्तर है विकल्प दो चार प्रकार से। सगुण अलंकारान सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई। काव्य लक्षण किसका है, शुक्ल, चिंतामणि, गुलाब राय अथवा महावीर। सही उत्तर है विकल्प दो चिंतामणि। ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन है, अभिनव गुप्त, आनंद वर्धन, भोजराज अथवा रुद्रट। और सही उत्तर है विकल्प दो आनंद वर्धन। प्लेटो की कविताएं संकलित हैं लॉज में, स्टेट्समैन में, ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्क्स में अथवा इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्क्स में। रस शब्द किस धातु और प्रत्यय के योग से निष्पन्न होता है, रस धातु, निप्रत्यय, रस धातु, अप्रत्यय, रस धातु, असप्रत्यय अथवा कोई नहीं। और सही उत्तर है विकल्प दो रस धातु घ ए प्रत्यय। काव्य वक्रोक्ति अर्थात कला है, इस कला की रचना के लिए कवि शब्द अर्थ की अनेक विभूतियों का उपयोग करता है, यह कथन किसका है, कुंतक, शुक्ल, नागेंद्र अथवा बच्चन। और सही उत्तर है विकल्प एक कुंतक। काव्य प्रसंग या रस के समस्त अवयवों का साधारणीकरण मानने की अपेक्षा कवि भावना का साधारणीकरण मानना मनोविज्ञान के अधिक अनुकूल है, यह कथन किसका है, शुक्ल, नगेंद्र, बच्चन अथवा महावीर प्रसाद। और सही उत्तर है विकल्प दो नगेंद्र का। आहार्या का संबंध किस वक्रता से है, प्रबंध वक्रता, वस्तु या वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता अथवा इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है विकल्प दो वस्तु या वाक्य वक्रता। किसने अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहा, शुक्ल, गुलाब राय, बच्चन सिंह अथवा रामविलास।
और सही उत्तर है विकल्प एक शुक्ल। नहीं, प्रसादुते कश्चिदपि अर्थ प्रवर्तते, किसने कहा है? विश्वनाथ, भरत, अभिनव गुप्त अथवा नगेंद्र? और सही उत्तर है विकल्प दो भरत। वक्रोक्ति जीवितम में कितने उन्मेषों में विभक्त कारिका एवं वृत्ति से संबंधित ग्रंथ हैं? 3, 4, 5 अथवा 6? और सही उत्तर है विकल्प दो 4। रस आस्वाद से अभिन्न है परिभाषा किसकी है? विश्वनाथ, भरत मुनि, अभिनव गुप्त अथवा इनमें से कोई नहीं? और सही उत्तर है विकल्प एक विश्वनाथ। दंडी का काव्य लक्षण है रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द काव्यम शरीरता वदिष्टार्थ व्यविच्छिन्ना पदावली अनु शब्दार्थ ओ काव्यम अथवा कोई नहीं? सही उत्तर है विकल्प दो शरीरंता वदिष्टार्थ विच्छिन्ना पदावली। वक्रोक्ति को सर्वालंकार मूला माना है भामह, दंडी, कुंतक अथवा बाणभट्ट ने? तो इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा सुधार लिया जाए। वक्रोक्ति को सर्वालंकार मूला मानने वाले हैं भामह, गलती से दंडी पर टिक लग गया है। तत्वोद्रेकाद खंड स्व प्रकाश नंद चिन्मय वेद्यंतर प्रसुन्या ब्रह्मा स्वाद सहोदर, किसके मत से रस स्वरूप है? मम्मट, विभवनाथ, अभिनव गुप्त अथवा भट्ट नायक? और सही उत्तर है विकल्प दो विश्वनाथ या विभवनाथ हो गया है विश्वनाथ। रस गंगाधर काव्य ग्रंथ है राज जगन्नाथ, कॉलरिज, गुलाब राय अथवा जयदेव? और सही उत्तर है विकल्प एक राज जगन्नाथ। रस की अवस्थिति अनुकर्ता अर्थात नट के रूप में किसने माना? भट्टलोल्लट, शंकुक, भट्ट नायक अथवा अभिनव गुप्त? और सही उत्तर है विकल्प दो शंकुक ने। भारतीय मनीषियों ने जीवन के परम उद्देश्य के रूप में अलौकिक आनंद स्वरूप किस तत्व का विवेचन किया? ब्रह्म रस, रुद्र रस, विष्णु रस अथवा परम रस? और सही उत्तर है विकल्प एक ब्रह्म रस। दंडी का काव्यादर्श कितने परिच्छेद में विभक्त है? 3, 4, 5 अथवा 2? और सही उत्तर है विकल्प दो अर्थात 4 परिच्छेद में।
और आज का अंतिम प्रश्न, भावना दोष को साधारणीकरण मानते हैं कौन? गंडी, राज जगन्नाथ, कुलपति मिश्र अथवा जयदेव? और सही उत्तर है विकल्प दो, राज जगन्नाथ। तो मित्रों, यह थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के पाठ्यक्रम की तीसरी इकाई साहित्य शास्त्र से कुल 30 प्रश्न। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़े, बातें साहित्य की चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना सबसे पहले पाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।